आज इस वीडियो में लोग देखेंगे कि किस तरह से हम एमएस वर्ड 2007 में किसी भी डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। नॉर्मली अगर हम किसी भी डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में सेव करेंगे तो 2007 में पीडीएफ में सेव करने के लिए ऑप्शंस नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो जैसे मान चलिए पहले हम यहाँ पर सेव कर रहे हैं, जैसे कंट्रोल एस करके हम यहाँ पर जैसे मान चलिए यहाँ पास फाइल का नेम डाल देंगे, क्या नाम से हम फाइल को सेव कर रहे हैं। तो जैसे हम यहाँ पास फाइल का नाम डाल दे रहे हैं कंप्यूटर फाइल, ये हम नाम डाले। अब यहाँ पर जो दिख रहा है सेव एज टाइप, इसमें हमको जाना है और यहाँ देखिए कहीं भी पीडीएफ में सेव करने के लिए ऑप्शंस नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो पीडीएफ में सेव कैसे करेंगे? तो इसके लिए जस्ट हमको एक छोटा सा क्या करना पड़ेगा, एक सॉफ्टवेयर एक एप्लीकेशन हमको डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जस्ट सिस्टम में नेट कनेक्ट कर लेंगे। नेट कनेक्ट करने के बाद जस्ट हम यहाँ पास ब्राउज़र ओपन कर लिए। ब्राउज़र ओपन करने के बाद जस्ट हमको एक छोटा सा एप्लीकेशन सर्च करना है। एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो एमएस ऑफिस, ये हमको सर्च करना है। एमएस ऑफिस पीडीएफ एक्सटेंशन ये आपको सर्च करना है, इस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही हमारे पास कुछ इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर जो सेकेंड नंबर ऑप्शन है आपका, क्या यहाँ पर देखिए जो शो कर रहा है क्या 2007 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एड इन माइक्रोसॉफ्ट सेव एज पीडीएफ। ठीक है, इस पर हमको जस्ट क्लिक करना है। इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पास अब हमारे पास देखिए यहाँ पास खुल गया 2007 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एड इन माइक्रोसॉफ्ट सेव एज पीडीएफ। ठीक है, और XPS स्टेटस हमारे पास शो कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए एक शो कर रहा है क्या डाउनलोड नाउ का, तो इस पर जस्ट हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि सिस्टम में जस्ट ये सॉफ्टवेयर क्या डाउनलोड होगा, तो थोड़ा सा हमको वेट करना है। वेट करेंगे तो यहाँ जस्ट हमारे सिस्टम में डाउनलोड, यहाँ देखिए नाउ डाउनलोडिंग का ऑप्शन दिखा रहा है और सिस्टम में हमारे पास देखिए यहाँ पास ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना यहाँ पास चालू हो गया। ये क्या हो गया, डाउनलोड हो गया। ठीक है, यहाँ इसको हम क्या करते हैं यहाँ पास ओपन करते हैं। तो जस्ट इसके ऊपर हम राइट क्लिक किए और यहाँ देखिए शो कर रहा है क्या ओपन, ओपन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पास ये शो कर रहा है रन, तो जस्ट रन पे क्लिक करेंगे। रन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पास हमारे पास इस तरह से आ रहा है, यहाँ देखिए यहाँ पास इसको टिक करना है। टिक करेंगे, जस्ट हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब हमारे सिस्टम में क्या हो रहा है, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है। हमको थोड़ा सा वेट करना है। ये देखिए अब दिखा रहे हैं आपस दिस इंस्टॉलेशन इज कम्प्लीटेड। ओके, ठीक है, हमारे सिस्टम में सॉफ्टवेयर जो पीडीएफ का था एक्सटेंशन ये ऐड हो चुका, डाउनलोड हो चुका। अब जस्ट इस ब्राउजर को क्लोज कर देते हैं। अब मान के चले हम यहाँ पास वर्ड ओपन करते हैं। वर्ड ओपन करने के बाद जब इसको हम अब सेव करते हैं, जैसे कंट्रोल एस किए, कंट्रोल एस करने के बाद जैसे हम फिर से हम यहाँ पास नाम डाल देते हैं कंप्यूटर फाइल, हम यहाँ नाम डाल दिए। अब यहाँ पास सेव एज टाइप में चल जाएंगे तो देखिए अब यहाँ पास क्या दिखा रहा है, पीडीएफ दिखा रहा है। पीडीएफ पे क्लिक किए, ठीक है, अब जस्ट इसको हम सेव करें। जैसे कहाँ सेव करना है, लोकेशन अपना सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे मान चलिए हम यहाँ पास सेलेक्ट कर लेते हैं इस फाइल को, कहाँ डॉक्यूमेंट में हम सेलेक्ट कर दिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिए और जस्ट सेव पे क्लिक कर दिए। तो ये जो फाइल हमारा डॉक्यूमेंट है पीडीएफ में सेव हो गया। देखिए यहाँ पास पीडीएफ में हमारे पास ये खुल भी चुका है। ठीक है, अगर हमको चेक करना है तो हम चेक भी कर सकते हैं। जैसे हम कहाँ सेव किए हैं, तो डॉक्यूमेंट में कंप्यूटर में गए, जस्ट हम यहाँ पास डॉक्यूमेंट और यहाँ पास हम अपने फाइल को सेव किया, सर्च कर लेते हैं क्या कंप्यूटर नाम से हम सेव किए हैं। तो यहाँ देखिए कंप्यूटर फाइल ये दिखा रहा है, जस्ट हम इस पर डबल क्लिक करके यहाँ पास ओपन किया तो देखिए हमारे पास ये फाइल पीडीएफ में सेव हो चुका। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि एमएस वर्ड 2007 में हम किसी भी डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। अगर कोई पीडीएफ का ऑप्शन आपका शो ना करे तो एक छोटा सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पीडीएफ का एक्सटेंशन आप डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करके आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो को समझ में आ गया। अगर ये वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।